हेलो टॉपर्स, हम जीतेंगे। वेल, माइसेल्फ धर्मवीर, फाउंडर, डायरेक्टर एंड मैथ्स फैकल्टी ऑफ डा विंसी इंस्टीट्यूट। वेल, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल स्टडी एंड टुडे वी विल स्टडी टाइप वन। तो इस वीडियो में जो आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है ना, वो सारा का सारा आज हम लोग देखेंगे। हालांकि कंपाउंड एंगल में जितने भी फॉर्मूला था मैंने वो प्रूव करवाया है। जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा जरूर जाकर के देख लीजिएगा। और जब भी मैं टॉपर बोलता हूं ना, हेलो टॉपर, तो आपको फील करना है कि आपको स्कूल टॉपर, झारखंड टॉपर, सीबीएसई टॉपर आपको बननी है। जब तक ये फीलिंग के साथ नहीं आओगे ना, तो मेरे चैनल में आने की जरूरत नहीं है भाई। आपके अंदर एक जिद होना चाहिए, आपके अंदर एक सपना होना चाहिए। जब आपका सपना ही इतना छोटा है तो मार्क्स भी इतने छोटे छोटे आएंगे आप, ठीक है। तो जब भी मैं टॉपर बोलता हूं ना, तो अपने आप में फील करो कि यस, आई एम द टॉपर। गॉट इट? ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बस बता देता हूं कि यूट्यूब पे भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे कम कंटेंट होगा। मेरे ऐप्स जो बना हुआ है उस पर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा। मैं 30 सेकेंड लेता हूं, 30 सेकेंड में बता दूंगा प्रोसेस कि आपको करना कैसे है, ऐप्स डाउनलोड कैसे करना, कैसे इन करना है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको प्रोसेस आपको बता देता हूं, देख लीजिएगा। तो हाउ टू डाउनलोड आवर ऐप्स, पहले गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, डाविंसी टाइप कीजिएगा। आप लोग इसमें स्मार्ट है ही, डाउनलोड कीजिए, नंबर आएगा, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ठीक है। और ओटीपी आने के बाद आप इन कर जाइएगा, उसके बाद बैच कोड और आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। नहीं समझे, मैं यहां तक आपको बता देता हूं कैसे इन करना है। यहां तक तो आप क्लियर होंगे कि अपना मोबाइल नंबर देकर के इंटर कर जाइएगा, ओटीपी आएगा। उसके बाद का जो स्टेप है ना, आफ्टर दैट वन आई विल एक्सप्लेन यू, देखो कैसे होगा। उसके बाद आपको जैसे आप ऐप में घुसोगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा, ठीक है। ये तो मैं चलो इधर बड़ा कर देता हूं, पहले इस तरह का दिखेगा। तो इससे आपको मतलब नहीं है, यहां पर हो सकता है कुछ ना लिखा रहा है। ये तो मान लो कुछ बच्चे ने इंटर किया था, तो इसलिए मैं यहां पर ये दिखेगा आपको। आपको क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप इस एप्स के पूरे नीचे चले जाइएगा, ये देखो नीचे, यहां पर आपको दिखेंगे, ये देखो इस तरह का, ठीक है। नीचे जहां पर बैचेस आपको दिए होंगे, आपको यहीं पर क्लिक करना है, ठीक है। आप नीचे चले जाइएगा, क्लियर, यू विल क्लिक ऑन बैचेस। और यहां क्लिक करने के बाद नाउ सी बैचेस, जैसे क्लिक करोगे ना, तो हो सकता है कि आपको ये सब चीज ना दिखे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी किसी बच्चे ने इन किया हुआ है। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, आपको उससे मतलब नहीं है। आपको यहां पर नीचे जाना है, ये जो प्लस टाइप का आपको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। उसी तरह से जैसे आप बैचेस में क्लिक किए, देखो बैचेस ब्लू टाइप का हो जाएगा। फिर यहां पर आप चले आइएगा ये प्लस टाइप का, जैसे आप प्लस कीजिएगा, फिर अगला जो दिखेगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए, क्लियर। इंटर थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ये देखो इंटर बैच कोड, आपको बैच कोड इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो बैच कोड मैं, अगर आप क्लास 11th के हैं तो मैं आपको बता देता हूं बैच कोड क्या होगा, DVIMTH11। ये आपके क्लास 11th का बैच कोड है। तो बैच कोड जैसे आप इन कीजिएगा, उसमें टाइप कीजिएगा, तो आपने रिक्वेस्ट हमारे पास भेजा है, फिर हमारी टीम एनालिसिस करेगी कि आपको लेना है कि नहीं बैच में, ठीक है। अगर हमने अप्रूव कर लिया है कि यस, कि कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ मुझे आपको लेना है, तो फिर हम लोग वहां पे एक्सेप्ट आपको करेंगे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, खाली आप अपना रिक्वेस्ट भेज दीजिए, एक्सेप्ट होगा तो आप बैच में ऐड हो जाइएगा। फिर आपको फर्दर प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे हम लोग ऐप्स में इन करेंगे। फिलहाल इतना स्टेप आपको करके रखना है, उसके बाद 2-4 दिन के अंदर में सारा कंटेंट मैं वहीं पे डालना स्टार्ट करूंगा, क्लियर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक।
चलिए एक बार थोड़ा कमेंट करके सब अपना अटेंडेंस बना दो, क्या सब कुछ समझ में आ रहा है सभी को, थोड़ा देख लीजिए सब आवाज उवाज क्लियर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक घंटा पढ़ा दिया और आवाज ही ना आए। ठीक, ऑल राइट, चलो टेस्ट कर लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल पे बहुत सारा मैंने फॉर्मूला प्रूव करवाया है, डेरिवेशन मैंने करवाया है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है प्लीज वो सारे के सारे लेक्चर जाकर के देख ले। ऑलराइट, नाउ वी विल स्टडी द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज व्हाट। फर्स्ट वन इज साइन, यू नो वेरी वेल, ए प्लस बी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ टाइप वन। फर्स्ट वी हैव टू यूज वट एवर द फॉर्मूला आई एम राइटिंग हियर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और आप लोग खुद भी टाइप कीजिएगा। ठीक है, अभी क्या करना है ना आपको, लाइव चैट में तो वहां टाइप कीजिए, नहीं तो नीचे टाइप कर करके आप प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। क्लियर, जहां भी या तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रांग होगी। वेल, नाउ वी आर गेटिंग साइन इट इज ए माइनस बी कैन बी रिटन एज अ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। गॉट इट, वन मोर थिंग, कॉस ए प्लस बी कैन बी रिटन एज अ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी चार फॉर्मूला पे अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसी चार फॉर्मूला पर। आज हम लोग टाइप वन पे काम करने वाले हैं, टाइप वन। ठीक है, ये हो गया कॉस ए माइनस बी, वी आर गेटिंग कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको बढ़िया से कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको और बताता हूँ, फिलहाल इतना पे पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आगे धीरे धीरे करके एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल इतना फॉर्मूला तो आप देख लीजिए बढ़िया से, साइन ए प्लस बी, अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस प्लस में रहेगा तो ये माइनस, और माइनस रहा तो प्लस। हालांकि ये मदर फॉर्मूला है, इसी से मैंने बहुत सारा चीज डिराइव करवाया था और प्रूविंग में बहुत अच्छी तरह से मैंने करवाया था। तो प्लीज अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लें उस वीडियो को। आइए अब हम लोग टाइप वन पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसे कैसे मिल सकता है। ठीक है, फॉर्मूला अपने आपका रेडी रखिएगा। देखिए इस टाइप वन में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है इफ ऐसा हो सकता है साइन ए इक्वल टू 3/5 स्किपन लेयर एंड कॉस बी इक्वल टू 9/41। गॉट इट, जीरो स्मॉलर ए स्मॉलर 5/2 एंड जीरो स्मॉलर बी स्मॉलर 5/2। ठीक है, और आपको जो कैलकुलेट करना है, फर्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है इट इज साइन ए माइनस बी फर्स्ट, सेकंड जो कैलकुलेट करना है इट इज साइन ए प्लस बी एंड थर्ड नंबर कैलकुलेट करना है कॉस ए माइनस बी, और फोर नंबर कैलकुलेट करना है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अभी जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था उसी पैटर्न पे अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। गॉट इट, देखिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर करेंगे कैसे, सबसे पहले जो, अच्छा ये आपको पता है ना
ए इज गिवन 0 से पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 इज व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, किन्हीं स्टूडेंट को पता नहीं है तो ये पाई रेडियन होता है, पाई के ऊपर सी होता है तो दिस विल कम एज अ रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आपका होगा। तो इसका मतलब जो ए एंगल है इट इज लाइंग बिटवीन 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में ये लाई करेगा। उसी तरह बी एंगल है ना, इट इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। गॉट इट? ठीक है, अगर 0 से 90 इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया जी, इट विल लाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। और ये पढ़ाया गया था ना आपको, ध्यान दीजिएगा, जो डॉगी वाला मेथड मैंने पढ़ाया था, किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर जा करके देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वी आर गेटिंग है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होता था। मैंने पढ़ाया था यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये बातें भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर बताया था टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और इसी का जो उल्टा होता है ना सेक थीटा पॉजिटिव होता है। गॉट इट? तो ये पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको यहां पर बताया। अब देखो जी, ये पॉजिटिव होता है, ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम लोग क्वेश्चन कैसे यहां पर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, यहां पर सॉल्यूशन इसका देखो जी, सॉल्यूशन कैसे हम लोग बनाएंगे। ये दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5 इज गिवन हियर, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस से पहले निकाल लो इसका। तो कॉस कैसे निकलेगा, आपने टेंथ में पढ़ा था ना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हियर ए अगर दिया हुआ है तो यहां पर ए लिख सकते हैं हम लोग। गॉट क्लियर? तो 1 माइनस और इन द प्लेस ऑफ साइन 3/5 पूरे का होल स्क्वायर लिखा, और ये क्या है कॉस ए है, ये तो स्क्वायर में है, वी आर गेटिंग कॉस ए। और इसको जरा सॉल्व कर लो, रूट में चला जाएगा, इससे जाएगा तो रूट में, और प्लस और माइनस यहाँ पर दोनों होगा, कॉस ए प्लस माइनस दोनों होगा। तो क्या करेंगे, 1 - 9/25 हो गया आपका। ठीक है, 1 - 9/25। तो देखो जी, इसको मैं हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ये सब खाली ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, वी आर गेटिंग कॉस ए प्लस माइनस, और देखो प्लस माइनस क्या है ना कि इसमें ओनली वी विल टेक एज अ प्लस। व्हाई वी विल टेक एज अ प्लस, बिकॉज ए इज लाइंग बिटवीन 0 से लेकर पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वी आर गेटिंग कॉस ए, इसको सॉल्व करते हैं, 25 आप एलसीएम ले लो ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यू कैन टेक एलसीएम 25 - 9 वी आर गेटिंग। तो फाइनली वी आर गेटिंग एज अ कॉस ए एंड आफ्टर सॉल्विंग हाउ मच वी आर गेटिंग 16/25 इक्वल टू 4/5 वी आर गेटिंग। ठीक है, 4/5, तो यही हमारा वैल्यू आ गया, कॉस ए का वैल्यू जो है ना 4/5 है। पहले आप कॉस से निकाल लो, साइन ए से कॉस से निकाल लोगे, इस तरह से हम लोग करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं, हमारे पास कॉस भी है। नाउ यहां पर क्या है ना, दिस इज कॉस बी, तो कॉस बी कैसे निकलेगा ये आपको ध्यान देना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो कॉस बी दिया हुआ है 9/41 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं ना, इट इज 9/41 यहां पे दिख रहा है, तो पहले मैं निकालता हूं साइन स्क्वायर बी लिखता हूं, यू नो 1 - cos² b, ऑलरेडी यू नो दिस फॉर्मूला इन क्लास 10th, गॉट इट? ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, 1 - दिस इज 9/41 पूरे का होल स्क्वायर, तो 1 - इट विल कम। अब देखो यहां पर आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, तो ये तो पता है 81 होता है, इसका 1681 होता है। ठीक है, 1681 यहां पर होगा। अगर आपको स्क्वायर पता है तो बहुत जल्दी से आप काम कर सकते हो, नहीं तो उसको मल्टीप्लाई करके देखो, 41 का स्क्वायर 1681। नाउ वी विल गेट साइन स्क्वायर बी, यू टेक द एलसीएम 1681, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 1681 - 81
एंड वी आर गेटिंग साइन स्क्वायर बी, तो यू विल गेट 1600 1681. गॉट इट? नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट? तो साइन बी कैन बी रिटन स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 1600 1681, एंड हेयर इट विल कम प्लस माइनस. बट अगेन वी हैव टू थिंक ओवर इट. इफ इट इज प्लस माइनस गिवन हेयर, सो वॉट वी विल डू हेयर, वी हैव टू टेक द प्लस. वाई वी विल टेक द प्लस हेयर? बिकॉज द कंडीशन इज वेरी मच क्लियर. बिकॉज बी इट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड ऑलरेडी आई टॉट यू कि इफ अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करता है, आवाज चला गया क्या? जी बचा हुआ है. साइन बी है तो ये कितना होगा? प्लस लिखते हैं, इट इज कमिंग एज अ 40 एंड डिवाइडेड बाई 41, यही होगा ना. तो हमारे पास आ गया इट इज साइन बी कैन बी रिटन 40 डिवाइडेड बाई 41. और तो अब देखो हमारे पास क्या क्या अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा. क्या हमारे पास सारा अरेंजमेंट हो गया है? जरा देखिएगा. फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन था साइन ए जो दिया गया था, जरा क्वेश्चन में देखिएगा, साइन ए ऑलरेडी 3/5 था, तो उसके हिसाब से हमने क्या निकाल दिया जी? कॉस ए भी हमारा निकल गया. देखो अगर साइन ए निकला तो कॉस ए भी तो निकला ना. ये कितना था? कॉस ए, ये देखिए 4/5 वी आर गेटिंग है, ये रहा 4/5, तो हमने कितना किया? 4/5 किया. और साथ साथ यहां पे दिया हुआ था cos b, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 9/41, दिस इज गिवन. और इसके रिस्पेक्ट में जो हमने निकाला sin b, ये 40/41 वी आर गेटिंग है, ठीक है, 40/41 ये होगा. एक और फिर से देखो, साइन ए 3/5, कॉस ए 4/5, कॉस बी 9/41, साइन बी 40/41. ये सारा डाटा हमने अरेंज कर लिया. जैसे सब्जी पकाने से पहले सारा आइटम होना चाहिए, तभी ना. ऐसा थोड़े ना है कि गैस जला दिए, कढ़ा चढ़ा दिया और जा करके मार्केट से सब्जी लाने जा रहे हैं. पहले सारा अरेंजमेंट आपको कर लेना है, उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे यहां से, ठीक है. देखो करना क्या है आपको. नाउ वी विल डू साइन ए माइनस बी इज गिवन. फर्स्ट द क्वेश्चन इज साइन ए माइनस बी, जो फर्स्ट निकालना है. तो देखिए साइन ए इट विल कम कॉस बी माइनस कॉस ए एंड हियर साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है. तो साइन ए कैन बी रिटन 3/5 इंटू कॉस बी जो होगा 9/41 माइनस कॉस ए 4/5 और साइन बाई 40/41, ठीक है. यू कैन टेक द एलसीएम, तो 5 × 41, ठीक है. ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 27 इट विल कम, ये आ जाएगा 160. यही हो रहा ना, साइन ए माइनस बी कैन बी रिटन लाइक दैट. इन सब को सॉल्व कर लो. नीचे वाला मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो ये होगा 5205, तो ये आ जाएगा 205 वी आर गेटिंग है. और इसको माइनस कर लो ना, तो यहां पर आ जाएगा 133, तो -133, यही हमारा आंसर है साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन ए माइनस बी, ठीक है. ये हमारा साइन ए माइनस बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट करके बताइए. ऑलराइट, ठीक है, मतलब लगभग यहां तक क्लियर है सबका. अब देखो एक और मैं अभी आपको बताता हूं, ये पार्ट तो हमारा निकल गया. अब इसी क्वेश्चन में कोई अगर पूछता है, ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर कोई पूछता है, सेकंड क्वेश्चन में यही बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है. सेकंड क्वेश्चन, अगर ये प्लस कर देता है तो
तो मुझे बताइए कहाँ कहाँ चेंज करेंगे फॉर्मूला में। देखिए कहाँ कहाँ आपका चेंज होगा, साइन ए कॉस बी तो होगा, ये भी प्लस में चला जाएगा, ठीक है, कॉस ए साइन बी होगा, गॉट क्लियर। उसके बाद वैल्यू सेम होगा 3/5, 9/41 और यहाँ पर 4/5 और 40/41, ठीक है, ये ध्यान आपको देना है। तो अब हम लोग करेंगे क्या ना, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है, और बाद बाकी सब कुछ आंसर वही होगा, ये होगा 7, इट विल कम 8, ठीक है, एंड इट इज कमिंग 1 डिवाइडेड बाई 205 ईयर 18। तो यही इसका आंसर है, साइन ए प्लस बी का जो आंसर आएगा 187/205 ईयर 18। गॉट क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब लगभग सबको समझ में आ रहा है, और कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो कभी भी देखता है ना, कोई जरूरी नहीं कि लाइव क्लास, कभी भी अगर देखता है तो आप अपना कमेंट जरूर मुझे करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो जी, इसी में एक थर्ड पार्ट जो दिया हुआ था इसको भी प्रैक्टिस कर ले और इसको जरूर कीजिएगा, ताकि इसी बहाने क्या है ना कि आपका फॉर्मूला प्रैक्टिस होते रहेगा माइंड में, जितना बार प्रोग्रामिंग कर सकते हो करो, क्योंकि एक बार ब्रूसली ने कहा था कि मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता है जिसने 1000 किक की प्रैक्टिस की हो, मुझे उस पर्सन से बहुत डर लगता है जिसने 1 किक की प्रैक्टिस 1000 बार की। इसका मतलब समझ में आ रहा, पावर ऑफ रिपीटेशन, आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना बढ़िया से आपके माइंड में चाहता जाएगा, और ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि लाइफ के हर पार्ट में आपका यूज होने वाला है, गॉट इट। और एकदम पहले बताया आपको एकदम टॉपर्स के जैसा बिहेव करना है, क्लियर है, मेरे क्लास में अगर बैठना है, मेरे क्लास में पढ़ना है तो एकदम टॉपर के एटीट्यूड में आकर के पढ़ो, मरियल जैसा नहीं 2-4-5, 20-25 मार्क्स लाना है, फील करो अरे ठीक है बाद में एग्जाम होगा जब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो वो एटीट्यूड रखो। और क्यों टॉपर नहीं बन सकते हैं आप, क्या कमी है आप में, अगर टेंथ में आपका ठीक है खराब भी मार्क्स आया ना, हर किसी के लाइफ में चेंज आता है, आपको भी बदलना है। चलिए नेक्स्ट, कॉस ए प्लस बी वी आर गेटिंग, तो यहां देख लो कॉस ए कॉस बी यू नो माइनस साइन ए वी आर गेटिंग साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है कि अगर ये प्लस में हुआ तो ये माइनस में चला जाता है। अब पता है कॉस ए का वैल्यू कितना है 4/5, देखो जी 4/5, कॉस बी का वैल्यू देख लो, यू विल गेट कॉस बी का 9/41, साइन ए कैन बी रिटन यहां जो दिख रहा है 3/5 और साइन बी जो है ना ये 40/41, ठीक है 40/41। तो चलो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह तो आपको पता है 205 आने वाला है, इसे मल्टीप्लाई कर लो 36 माइनस 120 होगा 120 हो जाएगा, आप यहां पर इसको जाकर के माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहां तक तो लगभग सबको क्लियर होगा है ना, तो माइनस 84, इट विल कम 84 डिवाइडेड बाय 205, दिस विल बी द आंसर, गॉट इट। यही हमारा आंसर है, कॉस ए प्लस बी का अगर निकालोगे ना तो दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस 84 बाय 205, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑलराइट। और ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए टाइप वन का मैं और एक एक हर टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं पहले बता दिया सीबीएसई क्या करता है ना कि 20-30% ईजी, उसके बाद 60% करीब एवरेज, और 20% जो रहता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। तो डिफिकल्ट के लिए एनसीईआरटी बनाओगे तो ठीक है, ईजी और एवरेज आपका बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट अगर पूछेगा तो उसके लिए आपको आरडी शर्मा का जो टफ टफ क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा, और साथ साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, और इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा के बेसिस पे हम लोग आईआईटी जेईई वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखो अब फोर नंबर, अब मुझे बताइएगा इस फोर्थ में क्या करना होगा, यू नो वेरी वेल कॉस ए माइनस बी, तो वी आर गेटिंग व्हाट, कॉस ए हियर कॉस बी प्लस
वी विल गेट साइन ए एंड साइन बी वी आर गेटिंग. ठीक है, यहां क्या करना है, इन द प्लेस ऑफ कॉस ए यू विल पुट हियर 4/5, इन द प्लेस ऑफ कॉस बी तो हमने कितना लिखा 9/41 प्लस यहां लिखा साइन ए 3/5 साइन बाय 40/41. ठीक है, उसके बाद जरा सॉल्व कर लो इसको. अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये 205 तो आना ही है, इट विल कम 36 प्लस 112 वी आर गेटिंग 120. इसको सॉल्व कर लो 2, 5 एंड 1, इट इज 205 हो गया. ठीक है, ये हमारा 205 हो गया. तो दिस इज द वैल्यू कॉस ए माइनस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी का ये वैल्यू आएगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी जो चीजें मैं बताना चाहता हूं. ठीक, चलो एक और इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए ताकि आपका क्लियर हो जाए. इस पे करीब 4 क्वेश्चन हम लोग किए हैं और क्वेश्चन इस पे अभी हम लोग तुरंत डिस्कस कर लेते हैं ताकि बहुत सारी चीजें आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर होता चला जाए. देखो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, साइन ए इक्वल टू 3/5. ठीक है, 3/5 और यहां 0 ए स्मॉलर देन पाई बाई 2, इसका मतलब ए किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, उसके बाद कॉस बी इज ऑलरेडी गिवन माइनस 12/13 कर लो. ठीक है, 12/13 वी आर गेटिंग इट और यहां आप कर सकते हैं बी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये पाई स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन 3/2 हो गया. ठीक है, इसका मतलब कितने डिग्री होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके लिखिएगा. पाई का मतलब कितना वैल्यू होता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस होता रहेगा. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इट इज इसका मतलब 180 डिग्री बी, इट इज 270 डिग्री हो गया. क्लियर, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 180 डिग्री इन द प्लेस ऑफ पाई, गॉट इट. सो व्हाट वी विल डू, तो दिस एंगल बी इट इज लाइंग इन व्हाट क्वाड्रेंट इट विल लाइंग, इट विल लाइ इन थर्ड क्वाड्रेंट. और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव होता है टैन थीटा और कॉट थीटा, बस ये बात आप ध्यान में रखिएगा. क्लियर, उसके बाद अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं. पूछा गया है साइन ए माइनस बी का वैल्यू, दूसरा कॉस ए प्लस बी कैलकुलेट करना है एंड थर्ड. क्लियर, इसमें टैन भी है, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी बना के देखिए टैन ए प्लस बी. क्लियर, टैन ए प्लस बी या टैन ए माइनस बी कर देते, प्लस में भी पूछ सकता है माइनस में भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी में भी पूछ सकता है आपका. ठीक है, हालांकि मैं टाइप जो पढ़ा रहा हूँ साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी उसी पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो. अब देखो अभी इसी पे करेंगे कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग को डिस्कस करना हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे. अच्छा, ये तो कंफर्म पता है 3 और यहाँ पे जो दिख रहा है इट इज 5 है. एक प्रोसेस क्या है कि अगर देखो जी साइन का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए 3/5 दिया हुआ है, तो कॉस जो निकलता है अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है कॉस स्क्वायर 1 माइनस इट इज साइन स्क्वायर ए, दिस इज द फॉर्मूला, गॉट इट. तो 1 माइनस इट इज 3/5 और पूरे का होल स्क्वायर, तो वी विल गेट व्हाट 1 माइनस 9/25. इसको अगर सॉल्व किया तो 16/25 इट विल कम व्हाट कॉस स्क्वायर ए है. और जब कॉस स्क्वायर ए है तो क्या होगा जी, कॉस ए प्लस माइनस अंडर रूट 16/25, गॉट क्लियर. लेकिन ये जो कॉस ए होगा प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये आप मुझे कंफर्म करके अभी बताइए. ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा आप कि कॉस ए है प्लस माइनस, तो हियर इज व्हाट प्लस होगा कि माइनस होगा. तो उसके लिए आपको देखना है कि ए किस क्वाड्रेंट में, ए इट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका 4/5 आंसर पॉजिटिव में आएगा,
दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस, ये कॉसे का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, अगर ये कॉसे का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस बी, ध्यान से देखिए कॉस बी जो दिया हुआ है ना माइनस 12/13 दी गई है। अच्छा एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, एक तो प्रोसेस है साइने दिया हुआ है कॉसे हमारा निकल गया, ठीक है, एक प्रोसेस और सिखाना चाहता हूं, ये वैल्यू क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, कि मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इट इज 90 और इतना तो आपको पता है, मैं थोड़ा बड़ा बता देता हूं, ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, देखिएगा, ठीक है, ये देखो जी, अगर मैंने सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जो इतना लंबा प्रोसेस किए इसको थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा आप लोग मुझे बताइए क्या ये चीजें पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से देखना, इफ इट इज 90 डिग्री तो आपको पता है कि 90 के जो सामने वाला रहता है इसे एच कहते हैं, और अगर आपने इसे ए ले लिया तो इसके सामने वाला इट विल कम पी और नीचे वाला बेस हो जाता है, ये भी होता है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि दिस इज साइन ए और ये जो है 3/5, ठीक है, 3/5, तो ए दिया हुआ है ना, दिस इज ए गिवन हियर, तो फॉर्मूला आपको पता है पी बाई एच होता है, ठीक है, दिस इज पी बाई एच, और अभी साइन ए का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये P हो जाएगी और ये H हो जाएगा आपका, ठीक है, ऊपर वाला P नीचे वाला H, तो क्या इसका बेस निकाल सकते हैं, बेस जरा देखो पाइथागोरस थ्योरम से निकल सकता है ना, तो क्या करेंगे जी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 25 में से 9 चला गया 16, यू विल गेट एज अ 4, तो B कैन बी रिटन एज अ 4, समझ में आ रहा है, और नहीं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप रिमेंबर रखिए कि अगर 3 होगा तो कन्फर्म है 4 और 5 ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रिमेंबर 3 हुआ 4 हुआ 5, तो इतना ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी जल्दी यहां पर निकाल सकते हो, 6 हुआ 8 हुआ तो 10 हुआ होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो बहुत जगह आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इफ यू नो, इफ यू रिमेंबर, इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट, इफ यू नो द पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4 and 5 एंड 6, 8 and 10, इजली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, गॉट इट। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिए, इतना तो क्लियर हो गया ना कि जब, तो बी हमारा कितना आ गया जी 4 आ जाएगा, तो इससे क्या निकालो ना, कॉस है आप आराम से निकाल सकते हो, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, तो बी कैन बी रिटन 4 और एच का वैल्यू 5, ठीक है, आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इट इज कमिंग एज अ, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव हम लोग रखेंगे, क्लियर है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो या उस तरह से भी निकाल सकते हो, तो आप किसी भी मेथड से निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए, तो अब हमारे पास क्या था डाटा, ये तो हमारा कॉस से निकला हुआ है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉस भी दिया हुआ है बी के टर्म में माइनस 12/13 दिया हुआ है और आपको निकालना है साइन, तो हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, उस मेथड का भी, इस मेथड का भी निकाल सकते हैं, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर बी 1 माइनस इट इज कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस इस नेगेटिव का स्क्वायर करना पड़ेगा माइनस 12/13 का होल स्क्वायर वी विल डू हियर माइनस होगा ये आ जाएगा 144 इट इज 169 वी आर गेटिंग, ठीक है 169। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर बी कैन बी रिटन, इसको इधर सॉल्व कर लो 169 इट विल कम 169 144 डिवाइडेड बाई 169, तो अब हमारे पास आ जाएगा साइन बी प्लस माइनस इधर जाएगा स्क्वायर रूट हो गया माइनस कर लो टोटल मिलाकर के 25/169, तो अब हमारे पास आ गया साइन बी कैन बी रिटन प्लस माइनस 5/13 हो जाएगा, क्या इतना लिखा जा सकता है, ठीक है 5/13 हो गया। अच्छा जब 5/13 आ गया तो साइन बी तो मैं लिखूंगा ही, और अगर साइन बी हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में है, अब आपको यहां पे ध्यान देना है ये बी किस क्वाड्रेंट में है, जो हमने बताया था बी जो था ध्यान से देखिएगा ये था 180 से 270 के बीच में, ये जो क्वाड्रेंट होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और क्वार्टी पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होगा, ठीक है।
अगर ये नेगेटिव हुआ तो वी विल कीप हियर माइनस 5 बाई 13, यू विल गेट दिस वन, ये हमारा साइन भी हो जाएगा, तो माइनस 5 बाई 13 आ जाएगा। हम पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब हमारे पास लगभग सारा डाटा आ चुका है, देखिए कौन कौन से डाटा आ गए हैं जी, देखो क्या करेंगे हम लोग, सारा वैल्यू आ गया है, हियर साइन ए गिवन दियर, कॉस ए आ गया है, साइन बी है, ठीक है, साइन बी है और कॉस बी भी है। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा या वीडियो को घुमा फिरा के देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा पूरा, डिजिटल होने का बहुत फायदा है। देखिए देखिए साइन ए, तो सबसे पहले भी हम लोग को क्या करना है ना, तो देखो जी क्या क्या था, साइन ए में था हमारा 3 बाई 5 था, तो उसके हिसाब से कितना गया था, इट इज 4 बाई 5 हो गया था, ठीक है। और एक डाटा और हमारे पास दिया था कॉस बी जो था, ये दिया था माइनस 12 बाई 13, अब क्या आ गया जी, इट इज 5 बाई 13 आ गया, ठीक है 5 बाई 13 हो गया। और देखो इस क्वेश्चन को आप उस तरह से भी निकाल सकते थे जो बताया गया था ना मेथड, मैंने ट्रायंगल वाला, ये तो गिवन था क्वेश्चन में, देखिएगा ये जो डाटा था ना गिवन था, तो ये क्या बी का काम करेगा, ये एच का काम करेगा। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी क्या होता है ना, जरा देखो ये 5 12 और 13 का ग्रुप बनता है, ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 25 का, सॉरी 5 का स्क्वायर होगा, तो जब 12 और 13 दिया हुआ तो कौन बचा हुआ, 5 ही तो बचा हुआ है ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या कर लेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या हो गया 5, जब ये बेस है या हाइपोटेनस है तो 5 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो 5 बाई 13 लिख सकते हैं। अगर ये नेगेटिव में है तो ये साइन भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा, माइनस 5 बाई 13 क्यों नेगेटिव होगा, आप एंगल देख करके खाली पुट कर दीजिएगा, क्योंकि एंगल इट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स वाई साइन विल बी नेगेटिव, ठीक है, साइन हमारा नेगेटिव होगा। अब देखो जी करना क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या कर लेते हैं, अच्छा मान लो ये तो वैल्यू निकल गया, तो क्या इसी से हम लोग टैन भी निकाल सकते हैं, टैन ए, तो टैन ए क्या होता है, यू नो वेरी वेल, साइन ए बाई कॉस बी, ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए, सॉरी ये कॉस ए हो गया, और इन द प्लेस ऑफ साइन ए यू विल पुट 3 बाई 5 बाई, ठीक है 3 बाई 5, और कॉस ए का वैल्यू कितना है, इट इज 4 बाई 5, कैंसिल कर लो, यू विल गेट 3 बाई 4 हो जाएगा। तो यही तो वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए कैन बी रिटन एज अ 3 बाई 4, ठीक है, ये हमारा 3 बाई 4 आ जाएगा। और उसी तरह से टैन बी अगर देखो, तो टैन बी कैन बी रिटन साइन बी बाई कॉस बी, तो वी आर गेटिंग माइनस 5 बाई 13 और माइनस 12 बाई 13, इसको लेकर सॉल्व कर लो, यू विल गेट टैन बी कैन बी रिटन एज अ 5 बाई 12, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टैन ए टैन बी का भी है, क्योंकि ये सारा का सारा जरूरत है। अब हमारे पास जरूरत वाली कौन कौन सी चीजें आ गई जिसको मैं टिक कर रहा हूं, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, टैन ए एंड टैन बी, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या लग सकता है, क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है जी, देखो क्वेश्चन में क्या क्या है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमारे पास है क्वेश्चन साइन ए माइनस बी, हाँ साइन ए माइनस बी, यू नो वेरी वेल फॉर्मूला, इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस, और अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए का वैल्यू जो है ना इट इज 3 बाई 5, कॉस बी का जो है ना माइनस 12 बाई 13, माइनस कॉस ए की जगह 4 बाई 5, सब वैल्यू बढ़िया से देख लीजिए, और साइन बी की जगह माइनस 5 बाई 13 दी होगी, ठीक है। अब जरा देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 13 इंटू 5, तो ये 12 ये 36 और माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है,
और इसको जरा सॉल्व कर लो तो माइनस 16 डिवाइडेड बाई 65। तो देखो जी यही हमारा वैल्यू आ जाएगा, इट विल कम साइन ए माइनस बी कैन बी रिटन माइनस 16 बाई 65। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, माइनस 16 बाई 65। एक बार देख लीजिए, ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा है। एक बार थोड़ा कमेंट करके मुझे बता दीजिए, सब कुछ क्लियर है? ठीक, बहुत अच्छा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये तो था हमारा साइन का, अब देखते हैं कॉस का। सेकंड क्वेश्चन है कॉस इट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी था या ए प्लस बी था? ए प्लस बी। ठीक है, तो वी नो फॉर्मूला कॉस ए इट इज कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन बी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस ए तो बताया फॉर्मूला 4/5 कॉस बी माइनस 12/13 माइनस साइन ए इट इज 3/5 साइन बी माइनस 5/13 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 65 माइनस 48 हो गया, 48 प्लस 15। आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में 12 हम लोग 48 बोल देते हैं, 48 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें कंफर्टेबल है वो अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा, माइनस 33 डिवाइडेड बाई 65। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इस मेथड से हम लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक और देखो। टैन ए माइनस बी, इसी का था ना, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखिए। तो tan a माइनस बी में अभी हम लोग कैसे काम करेंगे, यहां पर इट कैन बी रिटन एज tan a माइनस tan b बाई, और फॉर्मूला आप लोग जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, बाई tan a इंटू tan b। यहां पर भी क्या करना, आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो जरा देखो, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो क्या क्या आ सकता है, इन द प्लेस ऑफ टेन ए इट इज गिवन 3/4, तो आई केप्ट हियर 3/4, इट इज 5/12 बाई 1 प्लस इट इज 3/4 और इनटू 5/12 इज गिवन हियर, गॉट इट। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 48 एंड दिस इज 36 माइनस 20 वी आर गेटिंग, एंड हियर 48 इट इज 48 प्लस 15, दिस टू विल बी कैंसल आउट and after the cancellation we will get 60 divided by, इसको जरा सा add कर लो, कितना हो जाएगा ये 13, 5 और 6, 63। ठीक है, एक बार देख लीजिए calculation सब, तो 16/63 यही इसका answer होगा। तो बस मेरा purpose है ना कि पूरी तरह से पहले process आप सीख लो कि exactly मैं question में बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, formula बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए आपको। किसी को अगर पता है नहीं है कि फॉर्मूला आ कैसा रहा है, तो इसका प्रूविंग मैं पहले लेक्चर में दे चुका हूँ, जरूर जाकर के सारा लेक्चर चेक कर लीजिए आप हमारा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही है, और देखो जब भी पढ़ाई करो तो टॉपर के जैसा, ठीक है, फील आपको टॉपर के जैसा करना है। अगर इस अंदाज में पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स आपका नहीं आने वाला है। भले आपका कुछ भी मैथ्स था, आप मैथ्स में डरते थे, नहीं आता था, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ रहिए ना, आप पहले थॉट को तो चेंज करो, आपका हर कुछ मैं आसान कर दूंगा। खाली ये ध्यान रखिएगा, ईमानदार रहिएगा कि जितना मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ उतना आपको समझ में आना चाहिए, और कॉपी में नोट डाउन करके बढ़िया से बनाते चले जाइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम टॉपर्स।